इसको भी अच्छी तरह याद कर लो, इधर नमम और आचरण में लाओ। हमारा यहां कहीं कुछ भी नहीं है, शरीर के लिए आप धन कमाओ बस, चाहे मकान अच्छे हो आपके पास, बिल्डिंगें हो, सब कुछ हो, पर ये मत सोचो कि ये तुम्हारा है। ये या तो पूर्व जन्म के कर्मों से ईश्वर का दिया हुआ है, या अब गुरु की कृपा से आपको मिला है। ये दोनों बातें वेद में भगवान ने बताई है ना कि गुरु दाता है। कल भी निकला था ना एक मंत्र जिसमें कहा था गुरु दाता है। तो यहां अपना कुछ नहीं है, इस पे अगर खूब विचार करोगे तब भी तो यही सिद्ध होगा कि हम जीवात्मा आए भगवान का भजन करने के लिए। हम जीवात्मा यहां संसार के पदार्थों से ऐश करने थोड़ी आए, तब भी तो यही सिद्ध होगा कि हमारा कुछ नहीं है तो हम भगवान का भजन करें। भजन का मतलब ये यज इत्यादि जो है ये करें। तो कल जैसे बता रहा था भगवान, बता रहे हैं भगवान देखो कि मुख्य विषय तो ईश्वर ही है, वेद का मुख्य विषय ईश्वर है। हां, भौतिक तरक्की जरूर करनी है जिससे कि शरीर ठीक बना रहे, परिवार का शरीर ठीक बना रहे, हम अच्छे कपड़े पहने, अच्छे घरों में रहें, अच्छा धन हो, ये शरीर हमारा स्वस्थ रहे, इसलिए कि हम यज करें, इसलिए कि हम ईश्वर की प्राप्ति करें शरीर से। आपको ये पता होना चाहिए जो मैंने कई बार बताया आप लोगों को, इसे भी याद करने वाली चीजें हैं। ये जीवात्मा शरीर में है, आप जीवात्मा हो, ठीक। अब ये शरीर ठीक रहे तुम्हारा हमारा, इसके लिए जगत रचना है। इतना बड़ा संसार सिर्फ एक जीवात्मा के लिए भगवान ने रचा है, सिर्फ एक जीवात्मा के लिए। ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये पृथ्वी, ये वायु, ये जितने बड़े बड़े समुन्द्र, ये सब कुछ। अब देखो इधर से गंगा जमुना निकली और सीधी समुन्द्र से मिलती है ना, और कितना गंध वंध लेकर के सारा समुन्द्र में डाल देती है। ये हमारे लिए तो है। फिर ये खेती को पानी, फिर इसमें पशु पक्षी पानी पीते हैं, ये वर्षा, मतलब कोई भी संसार का वो ले लो आप कर्म, ये एक जीवात्मा के लिए। अगर सूरज नहीं होगा तो शरीर ही नहीं रहेगा, जीवात्मा कहां रहेगी फिर? वो तो अंधी लंगड़ी लूली हो जाएगी, ना कुछ कर्म कर सकेगी ना कुछ। वायु नहीं रहेगी तो भी शरीर नहीं रहेगा, जीवात्मा तो रहेगी जिंदा, वो तो चेतन है, लेकिन वो मुरझा जाएगी। मुरझा जाएगा मतलब उसकी आंख नहीं है, नाक नहीं है, कान नहीं है, फिर हाथ पैर नहीं है, वो एकदम मुर्दा होके पड़ जाएगी, जैसे मुर्दा पड़ा है चेतन, पर देख ही नहीं पाएगी, आंख ही नहीं है उसकी, ये तो आंख तो ये है। कोई भी एक पदार्थ कम कर दो, ये पत्थर कम कर दो तो मकान ही नहीं बन पाएंगे, सड़कें नहीं बन पाएंगी, लोहा कम कर दो गाड़ियां नहीं बन पाएंगी, मतलब किसी एक पदार्थ को कम कर दो तो ये जीवात्मा फिर शरीर में नहीं रह पाएगी। तो इतना बड़ा संसार, चिंतन मैंने कई बार किया इस पे, तो कमाल कर दिया भगवान ने, एक जीवात्मा को शरीर में रखने के लिए ये इतना बड़ा संसार रचा है। तो संसार रचा है, जीव रह रहा है इसमें, आप सिर्फ शरीर की रक्षा के लिए धन कमाओ, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए धन कमाओ, परिवार के पालन करने के लिए और खूब कमाओ, आप अमीर होएं। लेकिन सबसे पहला विषय ब्रह्म है।
ब्रह्म जिसने भुला दिया बस, वो फिर संसार का ही हो जाता है। फिर तो देखो एक भजन गुनगुनाओ आप, जो मांगे ठाकुर अपने से सो ही देवे, जो मांगे ठाकुर अपने से सो ही दे। तुमने मांगा लड्डू पूरी कचोरी और ये और वो और सोना चांदी रुपया पैसा ये संसार, तो भगवान ने कहा ठीक है अनंत योनियां हैं, तू इस संसार में वापिस जा वापिस। और जिसने ब्रह्म की डिमांड की है, ब्रह्म को मांगा, प्रभु मैं तुझसे तुझको मांगता हूं, तो धन तो वही है, वो खुद सुखी तो होगा ही, दूसरों को सुख दे देगा, दूसरों के कष्टों को दूर कर देगा। ये अगला मंत्र बोलो बेटा।